देखिए, साउथ इंडियन स्पेशल चावल के इडली का बहुत ही इजी वाला ब्रेकफास्ट हमने यहाँ पर बनाया है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो आप भी अपने घर में एक बार इस तरीके का ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाइए, खाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साउथ की बहुत ही स्पेशल डिश, जो कि बहुत ही फास्ट और इजी ब्रेकफास्ट हम बनाने वाले हैं। यह हम बनाने वाले हैं चावल की इडली से। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है चावल, देखिए कच्चे वाले चावल हमने लिए हैं, और थोड़ा सा गाजर कटा हुआ, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई, अदरक कटा हुआ, एक कांदा कटा हुआ, नमक, हल्दी पाउडर और राई। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमने यहाँ पर इडली का बर्तन ले लिया है, क्योंकि हम चावल को पहले नाप लेंगे। तो इसमें हम पहले चावल डाल लेते हैं कच्चे वाले, तो देखिए हमने इतने चावल ले लिए हैं यहाँ पर, इसे हमने अच्छे से नाप लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा इडली नहीं बनानी है, बस इतनी ही इडली हम बनाएंगे। तो हमने ये चावल नाप लिए है, इस चावल को हम साइड में रख देंगे। अब हमने एक बाउल ले लिया है, तो चावल जो हमने नाप के रखे हैं वो हम बाउल में डाल देंगे। सारे चावल हम डाल देंगे बाउल में। चावल हमने बाउल में निकाल लिए है, तो इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हम भिगो के 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए अब 1.5 घंटा हो चुका है, चावल जो है अच्छे से भीग चुके हैं, चावल का हमने पूरा पानी जो है निकाल लिया है। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में पीसेंगे। हमने यहाँ पर मिक्सी का बर्तन ले लिया है, तो इसमें हम ये चावल डाल देते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं हमें डालना है। हमने मिक्सर के बर्तन में सारे चावल निकाल लिए हैं, तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर पीस लेंगे। बिना पानी के हमें पीसना है और दरदरा इसे थोड़ा सा रखना है। तो देखिए चावल हमने अच्छे से दरदरे पीस लिए हैं यहाँ पर, बिल्कुल हमने इसमें पानी नहीं डाला है। अब हमने यहाँ पर इडली का बर्तन ले लिया है, तो हम इन चावलों को अब इडली के बर्तन में डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसे इडली के बर्तन में डाल देते हैं। इसी तरीके से हम सारे जो इडली है वो भर देते हैं इडली के बर्तन। तो देखिए इडली भर के हमने इडली का बर्तन जो है वो तैयार कर लिया है, तो अब हम इसे स्टीम होने के लिए रखेंगे। गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम पानी डालेंगे 1/2 ग्लास। स्टीम करना है हमें इडली, इसमें तो हम कढ़ाई में ही रखेंगे, क्योंकि हमें इडली का एक ही बर्तन रखना है। तो हम इडली भरा हुआ जो हमारा एक बर्तन है वो इस तरीके से कढ़ाई में रख देते हैं, और इसे अब हम ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इडली हमारी अच्छे से स्टीम होकर तैयार हो जाए। तो देखिए अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, तो इडली हमारी अब बिल्कुल रेडी है। गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हम गैस ऑन कर लेंगे, कढ़ाई रखेंगे गैस पर, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम डालेंगे तेल। जब तक इडली ठंडी होती है हम ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तेल को अब हम गर्म होने देंगे। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम राई डालेंगे। राई को अच्छे से तड़कने देंगे। राई अच्छे से तड़क चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, अदरक का टुकड़ा एक जो हमने बारीक कट करके लिया है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और कटी हुई हरी मिर्च भी अब इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अब इसमें हमें कटा हुआ कांदा डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कांदे को हमने अच्छे से भून के सॉफ्ट कर लिया है, तो इसमें अब हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा कटा हुआ गाजर, बारीक कट करके लिया है। आप चाहे तो शिमला मिर्च डाल सकते हैं, और भी कोई वेजिटेबल डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। हमने गाजर लिया है, तो गाजर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। 2 मिनट तक अच्छे से इसे भून लेंगे।
ताकि गाजर भी अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ओके, गाजर भी अच्छे से हमने यहाँ पर सॉफ्ट कर लिया है। तो अब इडली हमारी ठंडी हो चुकी है, तो हम इडली को अब इस तरीके से निकाल लेंगे और इसमें हम इस तरीके से थोड़ा सा इसे हाथ से दबाकर इस तरीके से डाल देते हैं। तो सारी इडली हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे हाथों से क्रश करके। तो देखिए सारी इडली हमने इसमें क्रश करके डाल दी है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है लास्ट में नमक, जो कि स्वाद के अनुसार डालना है, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा इजी वाला ब्रेकफास्ट, जो कि हमने चावल की इडली से बनाया है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही सुंदर सी डिश हमारी बन चुकी है। देखिए साउथ इंडियन स्पेशल चावल के इडली का बहुत ही इजी वाला ब्रेकफास्ट हमने यहाँ पर बनाया है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप भी अपने घर में एक बार इस तरीके का ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाइए, खाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।